मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसा हालात पैदा हो गया है। बीते 24 घंटे में अमरवाड़ा में भी भारी बारिश से कई घरों में पानी भर गया। लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अमरवाड़ा में लगभग 4 इंच बारिश हुई, जिसमें यहाँ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अमरवाड़ा के राजगुरु पिपरिया में दादाजी धूनी वाले मंदिर और आसपास के घरों में बारिश का पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहां के विश्वकर्मा परिवार ने मंदिर और घर में बारिश का पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में पानी भरने से हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया गया है। पीड़ित परिवार की महिलाओं का कहना है कि हर बारिश में घर और मंदिर पानी में भर जाता है। एसडीएम से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। महिलाओं का कहना है कि नजदीक के नाले में अतिक्रमण की वजह से बारिश का पानी भर जाता है और फिर यह गंदा पानी मंदिर और घर में भर जाता है। इस बार भी बारिश का पानी भरने से अनाज सहित अन्य सामग्री का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। यहाँ की लाडली बहनों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो जारी कर अपील की है, जिसमें कहा है कि यहाँ पर सभी के पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन राजगुरु पिपरिया में अभी तक पक्के मकान नहीं बन पाए हैं। इसलिए शिवराज जी से निवेदन है कि यहाँ भी जल्दी से पक्के मकान बनवाए जाए। अत्यधिक बारिश के कारण नाले का पानी अमरवाड़ा की नरसिंहपुर रोड स्थित मंदिर और घर में भर गया, जिससे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अमरवाड़ा के ग्राम पिपरिया राजगुरु के समीप नरसिंहपुर रोड स्थित दादा धूनी वाले मंदिर और उसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। यहाँ रहने वाले लखन विश्वकर्मा, महेश विश्वकर्मा और सुदामा विश्वकर्मा के घर, दुकान और दादा पान मंदिर में भारी बारिश की वजह से नाले का पानी भर गया। इससे पीड़ित परिवार को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। पीड़ितों ने बताया कि सरकारी नाले में अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है, जिसके कारण बारिश का पानी नाले से होते हुए उनके घर में भर गया। पीड़ितों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। घर में छोटे बच्चे हैं, बारिश का पानी भरने से खाने पीने की चीजें खराब हो गई हैं और उनके रहने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है।